फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटीपर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा DIY फेस शीट मास्क लेके आई हूँ। जो शीट मास्क जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं और उसके अंदर वन शीट होती है, और मतलब वन शीट यानी वन टाइम यूज़। और अगर आपको और शीट मास्क चाहिए यानी आपको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत ही ईजी सा सिंपल सा हैक लेके आई हूँ, जिसमें हम शीट मास्क है वो भी घर में बनाएंगे, और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि हम शीट मास्क किससे बनाएंगे। हम कोई टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम कोई मार्केट से कोई वो फेशियल टाल कॉइन्स वाले आते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। हम कुछ ख़रीदेंगे नहीं, हम सारे इंग्रेडिएंट्स अपने घर की चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। मास्क के बारे में तो आप बहुत सुना होगा कि शीट मास्क लगाने से हमारी स्किन ग्लोइंग और शाइनी हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो हम शीट मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका सीरम बना लेते हैं, जिसमें हम शीट मास्क को डिप करेंगे, जो कि हमारी स्किन को बेनिफिट्स देगा। तो सबसे पहले मैंने रोज़ वाटर लिया है, मैंने 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिया है। ये रोज़ वाटर मैंने खुद बनाया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। और 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर लिया है। तो अब ये रोज़ वाटर में मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। आप अप्रॉक्स 1 टेबलस्पून या एक और स्मॉल कॉइन साइज जितना ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर लिया है। और एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर के बेनिफिट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सबको ऑलरेडी पता है कि वो हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं। अब एक्ने फ्री बनाने के लिए मैं थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ, गुड वाइब्स का। मैंने 4-5 बूंदें डाल रही हूँ मैं उसकी, और इसे और एनहांस करने के लिए मैं थोड़ा सा लेमन एसेंशियल ऑयल भी डालूंगी, इसकी भी 4-5 बूंदें मैं डालूंगी। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, आप फिंगर की मदद से कर सकते हैं। देखिए फाइन बन गया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये हमारा जेल या सीरम बोल सकते हैं तैयार हो गया है। अब सीरम तो बना लिया, अब इसमें हम शीट कहाँ से लेके आए शीट मास्क की, जो हमारे स्किन में फिक्स हो जाएगी, जो ये जेल की बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स हमें देगी। तो वो हैक है कि हम क्लॉथ यूज़ करेंगे। जो क्लॉथ है जो आप फेस कवर में यूज़ करते हैं, जो आपका पुराना फेस कवर हो जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया हो, वो हम उसे एज अ शीट मास्क यूज़ करेंगे। ये देखिए जैसे पुराना हो गया, आप इसे फाड़ लीजिए अच्छे से स्क्वायर शेप पे अपने फेस के शेप का, और नोज़ बना लीजिए, आईज़ बना लीजिए, और माउथ के लिए कट कर लीजिए। आप ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर सकती है, देखिए ऐसे कुछ वे में, ऐसे कुछ में, तो आपकी स्किन में अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब ऐसे करके उतना अच्छा परफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ये घर का बनाया हुआ है, लेकिन देखिए फिर भी इसने पूरा फेस वैसे ही कवर किया है और बेनिफिट्स वैसे ही देगा। तो आप इसे 10-15 मिनट्स तक रखिए, जब तक ये पूरा फुली ड्राई हो जाए, फिर मैं आपको मिलती हूँ। आप ग्लो देख सकते हैं मेरी स्किन में, सही में कितना इफेक्टिव लगा ना। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरा वीडियो को बैक करके देखिए, स्टार्टिंग में और अभी का वीडियो देखिए, तब भी मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं किया था, अभी भी कुछ नहीं है। और ये देखिए मेरी स्क्रीन को कितना क्लीन कर दिया है। आप चाहें तो जैसे कि अभी वीडियो के लिए मैंने आईज़ नोज़ बनाई है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ नोज़ का एरिया बनाती हूँ, ऐसे ऐसे पकड़ के कट कर लेती हूँ नोज़ एरिया, और बाकी क्योंकि रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल हमारी आईज़ वगैरह के लिए भी अच्छा है, डार्क सर्कल्स मतलब कि लाइट करेगा और हमारी स्क्रीन को ब्राइटन अप करेगा। आप अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है और रोज़ वाटर नहीं है, तो आप टोमेटो का जूस यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो जूस यूज़ कर सकते हैं, और आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है।
वैसे लगाने के बाद हल्का हल्का ऐसे ऐसे इसका जितना भी अभी भी हल्का हल्का ठंडा है बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे बेनिफिट्स ऐसे टैप टैप करिए तो उसका जितना भी है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप ऐसे नेक को भी वो रख सकते हैं ताकि आप ग्लो देख रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया और हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।